अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टेक्निकल सिर्फ जाफर में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम चार बड़ी गलतियों के बारे में बात करेंगे जो कि न्यू यूट्यूबर्स कॉमनली करते हैं, फिर कहते हैं हमारा चैनल ग्रो नहीं करता। अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हैं या अभी अभी आपने चैनल क्रिएट किया या क्रिएट करना चाहते हैं तो आपने इन चार गलतियों से बचना है, वरना आपका चैनल ग्रो नहीं करेगा, कभी भी ग्रो नहीं करेगा और ना ही आपकी वीडियो पर व्यूज आएंगे। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जी दोस्तों, अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी गलती और पहली गलती आपकी ये है कि आप सब फॉर सब के पीछे चले जाते हैं कि यार तू मेरा चैनल सब्सक्राइब कर, मैं तेरा करता हूँ, तू मेरी मदद कर, मैं तेरी करता हूँ। ये आपके दोस्त नहीं, आपके दुश्मन है जो आपके सब तो कर लेते हैं लेकिन बाद में आपकी वीडियो को देखते ही नहीं, तो इससे आपका चैनल पहले ही स्पैम में चले जाता है। अगर आपने किसी की वीडियो के नीचे कमेंट भी कर दिया कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं आपके करूंगा, तो आपका चैनल सब पहले ही स्पैम में चले गया, ये कभी भी ग्रो नहीं होगा। तो इससे अच्छा है आप चैनल बंद कर दें, इस पर काम करना ही छोड़ दें। सब फॉर सब करने से आपके सब्सक्राइबर तो बढ़ जाएंगे लेकिन आपके व्यूज नहीं बढ़ेंगे, आपका वॉच टाइम कैसे कम्प्लीट होगा? वो सब फॉर सब वाले सब्सक्राइबर भी आपके चैनल को स्पैम में ही डालेंगे, इसका आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर हम बात करें दूसरी बड़ी गलती की तो वो है आपकी, आप चैनल स्टार्ट करने से पहले खुद प्रिपेयर नहीं होते, आपको पता ही नहीं आपने किस टॉपिक पर चैनल क्रिएट करना है। आपको चाहिए कि पहले वो टॉपिक सिलेक्ट करें जो कि ग्रीन फॉर एवर हो, जो कि हमेशा चलता रहे, ये नहीं आपकी 5-6 वीडियो बनी उसके बाद वो टॉपिक ही खत्म हो गया। या फिर आप ऐसा करते हैं किसी बड़े यूट्यूबर की वीडियो को देखते हैं जिस पर ज्यादा व्यूज हो, उसी पर अपना चैनल क्रिएट कर देते हैं और वही वीडियो बना देते हैं, फिर एक या दो दिन बाद आपके वीडियो पर व्यू नहीं आते, आप उस टॉपिक को छोड़ते हैं, किसी और टॉपिक को ले लेते हैं। इस तरह से जो पहली वीडियो पर व्यूज आए या सब्सक्राइबर आए वो नेक्स्ट टॉपिक पर जाने से खत्म हो जाएंगे क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही नहीं है, वो इस वीडियो क्यों देखेंगे। अगर पहले आपने हेल्थ पर बनाया, हेल्थ पर आपके व्यूज आ गए लेकिन आपने जब अपना टॉपिक चेंज किया, आप कुकिंग में गए, तो हेल्थ वाले बंदे कुकिंग में क्यों इंटरेस्ट रखेंगे, इसलिए आपके व्यूवर्स खत्म हो जाते हैं, आपके सब्सक्राइबर भी खत्म होना शुरू हो जाते हैं और आपका चैनल ग्रो करना रुक जाता है। और तीसरी बड़ी गलती जो कि आम बल्कि तमाम यूट्यूबर्स करते हैं, थंबनेल की। आप अपना थंबनेल ही ऐसा क्रिएट करते हो कि देखने वाला सोच में पड़ जाता है कि मैं थंबनेल को पढूं या फिर वीडियो देखूं। थंबनेल के ऊपर आप आधी से ज्यादा वीडियो ऊपर लिख देते हो और अपने जितने भी फॉन्ट आते हैं, जितने भी आपको कलर आते हैं, सारे के सारे इस्तेमाल कर देते हो। आपके लिए बेहतर एडवाइस यही है कि अपना थंबनेल बिल्कुल सिंपल रखें, एक या दो या तीन लाइनें बस लिखें मैक्सिमम, वो भी ऐसी अट्रैक्टिव कि आपका कोई भी व्यूअर जो थंबनेल को देखे वो आपकी वीडियो को देखने पर मजबूर हो जाए। और चौथी और लास्ट बड़ी गलती जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स अक्सर करते हैं, आप अपने थंबनेल पर ऐसा मवाद लिख देते हैं जो कि वीडियो के अंदर होता ही नहीं। बेसिकली आप अपने टैग्स और टाइटल में भी ऐसी चीजें लिख देते हैं जो कि वीडियो के अंदर होती ही नहीं। इससे आपके टेम्परेरी व्यूज तो आ जाते हैं लेकिन वो फ्यूचर में आपके व्यूज नहीं रहते और ना ही वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं क्योंकि पहली दफा ही वो जो क्लिक करके आए हैं उन्हें अपने इंटरेस्ट के मुताबिक मवाद ही नहीं मिला, वो दोबारा आपके चैनल पर कभी भी नहीं आते। इससे भी आपका चैनल ग्रो करना रुक जाता है, इससे वो ना तो अपने दोस्तों को कभी आगे बताएंगे कि इस चैनल पर जाएं और ना ही खुद कभी आना पसंद करेंगे। एक एडवाइस मेरी तरफ से ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका चैनल ग्रो करे तो स्टार्टिंग में साफ साफ ना करें, आपको चाहिए कि अपने अकाउंट्स, अपने सब्सक्राइबर अकाउंट को हाइड कर दें या फिर अपना सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी के साथ काम करते जाएं, रेगुलर अपनी वीडियो को अपलोड करते जाएं और मोटिवेट रहें, आपका चैनल जरूर ग्रो करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।